أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome again to the Concept of Science Academy Pakistan Ramadan Transmission I'm your speaker Mahvish It's our second day of Ramadan हमने कहा था कि हम रमज़ान का पहले एक सरसरी से जायज़ा लेंगे कि ये क्या है इसके अहकाम क्या है हमें करना क्या है वो हमने लास्ट डे में देख लिए आज हम रोज़े की देखेंगे हिकमत क्या है फ़ज़ाइल क्या हैं और हमें फ़वाइद क्या मिल रहे हैं इससे रोज़े की हिकमत क्या है कि रोज़े का जो बुनियादी हिकमत है ना वो शहवत से रुकना है इसके लिए रोज़ा रखने का बड़ा मकसद ये है कि नफ्स बुरी ख्वाहिशात से बाज आ जाए और अज़ाए जिस्मानी को शहवात से रोक कर तक्वा मजबूत हो बनाए मतलब ये कि हमने रोज़े में खाने पीने से हम बाज आ जाएँ वो एक बात अलग हो गई लेकिन वो क्या हमें सिर्फ खाने पीने से रोकने का कहा गया है नहीं बल्कि हमें तो इसका तक्वा मकसूद है हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह ताला का डर पैदा करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है इसलिए हम खा पी नहीं रहे जब ये चीज़ मुकम्मल हो गई तो क्यों अगला स्टेप ना लिया जाए कि अल्लाह देख रहा है कि मैं बुरे अमाल ना करूँ अल्लाह देख रहा है तो मुझे नेक अमाल कर लेने चाहिए तो ये चीज़ मकसूद है ये हिकमत है रोज़ा को रखवाने के पीछे रमज़ान मुबारक के बारे में शोरा का ये कलाम है कि इस माह में इज्जत और जन्नत की नवीद है मतलब ये कि ये इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला का खौफ पैदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला का खौफ पैदा करने के साथ साथ उस जन्नत की भी ये खुशखबरी देता है इंसान को कि मुबारक उस शख्स को जिसने इस माह का रोज़ा रखा नेक अमाल किए अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया जिसकी आँख जो है वो अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए रोई अल्लाह ताला ने उसके चूँकि गुनाह माफ़ कर दिए तो उसके लिए जन्नत लिख दी गई है और जहन्नुम की चूँकि हम जानते हैं कि दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं तो हमें बुराइयों से दूर रखने का भी पूरा पूरा इंतज़ाम किया गया है कि शैतान को भी कैद कर दिया जाता है कि आप जो है वो अपनी नेक अमाल में तेज़ी करें रमज़ान अल मुबारक के फ़राइज़ वगैरह अच्छा अब जो है रमज़ान अल मुबारक की फ़ज़ाइल क्या है यानी ये रोज़ा हमें रख कर इस महीने में क्या मिलने वाला है रमज़ान अल मुबारक वो बाबरकत महीना है जो हर साल हम पे आता है अल्लाह ताला ने हमें अब तक जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है हमें इससे पाने की तौफीक दी है इस सवाब में भी बेहिसाब अजाफा होता है हमारी बख्शिश का भी वादा कर दिया गया है कि वो इंसान जिसने रोज़े रखे इस नीयत से कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे इसकी रातों में कयाम किया तो उसके लिए जन्नत लिख दी जाती है और उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो सिवाय अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया है कि हदीस कुदसी है कि मेरे सिवा इसका कोई भी अजर नहीं देगा मैं ही दूंगा क्योंकि रोज़ा चूँकि मेरे लिए है तो सिर्फ मैं ही इसका सवाब दूंगा ये बात वाजी और मालूम है कि सारे आमाल और इबादत अल्लाह ताला ही के लिए हैं मगर ये रोज़े की इज्जत अजमत और शर्फ की वजह से इसे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ मंसूब कर लिया है जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उठनी और मसाजिद को अपनी तरफ मंसूब किया रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बंदे के इखलास को आला तरीन मनाजिल पर ले जाती है ये अपने रब के करीब कर देता है इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके बुलंद मकाम के पेश नज़र सवाब को भी अपनी तरफ मंसूब कर लिया है जब एक नेकी का सवाब 700 गुना तक होता है ना तो फिर रोज़े का सवाब अल्लाह ताला की तरफ इंतसाब इस बात पर दलालत करता है कि इस माह अजीम में रोज़ेदारों को बड़ा वाफर सवाब मिलता है ये एक अल्लाह ताला की रहमत है हम पे क्योंकि रब कितना शफीक है रहीम है कितने कितने मौके ढूंढता है हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए फिर इस माँ का एक फजल ये है कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं ना सिर्फ हमारी बख्शिश हो रही है ना सिर्फ हमें सवाब मिल रहा है बल्कि इसके साथ साथ हमें हमारी दुआएं भी कबूल हो रही हैं अल्लाह ताला जो है उस रोज़ेदार के जवाब अल्लाह ताला से जब रोज़ादार इफ्तारी के वक्त दुआ करता है ना तो उसकी कोई भी दुआ उस वक्त रद्द नहीं की जाती है एक रिवायत में है कि मजलूम की दुआ तो बादल चीरती हुई अल्लाह ताला के पास पहुंचती है तो इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं अल्लाह ताला रोज़ेदार के जवाब में फरमाते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी हर हाल में मदद करूँगा ख्वाह उस वक्त कुछ लगे अब इस बात को मद्देनज़र रख कर हमें रमज़ान के महीने में हम रोज़े रख रहे हैं
हमें इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला से भरपूर दुआएं करनी चाहिए, ख़ास करके एक वो एक आजमाइश जिस COVID-19 पेंडेमिक की सूरत में हमारे यहाँ है, ये एक आजमाइश ही है ना कि इंसान अपनी तालीम तरबियत की तरफ नहीं जा पा रहा, रोज़गार बंद हो गए हैं, हम अपनी ना दीनी ना दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हैं, ना कोई हम अच्छा मकसद का काम कर रहे हैं, हम अपने घरों में बंद हैं, कोई हमारा दोस्त अहबाब बीमार हो जाए हम उसकी इयादत के लिए नहीं जा सकते, जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते, उसमें मुश्किल हो जाता है, हम सफ़र नहीं कर सकते कि हम किसी से मिलने चले जाएँ, कोई अच्छा नेक काम करने चले जाएँ, रोज़गार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं अक्सर लोगों के इस पेंडेमिक कंडीशन में। तो अल्लाह ताला से हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए अफ्तारी के मौका पर कि अल्लाह ताला ये आजमाइश हमसे जल्द ख़त्म कर दे। अब इस आजमाइश से तू जो हमें सिखाना चाहता है वो हमें सिखा दे, और जिस चीज़ से दूर लेके जाना चाहता है उस चीज़ से दूर ले जाए, यह आजमाइश हमारे लिए सजा ना बन जाए। तो अल्लाह ताला से इस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए, हमें यकीन भी है कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर ब ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएंगे। फिर इसके साथ साथ क़यामत के रोज़ शफात भी नसीब होगी हमें, जैसे मैंने रमज़ान इस्तक़बाल वाली वीडियो में आपको बताया था कि रोज़ा जो है वो सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, तो इसके साथ साथ रोज़ा गर्ज करेगा कि है मेरे परवरदिगार इसने इसको मैंने इसको खानी और लज्जत और शहवात से रोके रखा और इसके मतलब मेरी शिफात कबूल फरमाइए। उधर से कुरान करीम अर्ज करेगा क्या परवरदिगार मैंने इस बंदे को नींद से रोका लिहाजा इसके बारे में मेरी शिफात कबूल फरमाएँ, सुनाचा उन दोनों की शिफात कबूल फरमा ली जाएगी। फिर रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करने पर भी सवाब मिलता है, कोई ऐसा दीन नहीं है मेरे ख्याल से जिसमें इफ्तार करते हुए भी सवाब दिया जाए। अल्लाह अकबर, कितना अजीम दीन है हमारा कि हमें रोज़ा इफ्तार करने पे भी सवाब दिया जा रहा है। अगर एक इंसान रोज़े रमज़ान के महीने में उम्रा करता है ना तो उसको उसके हज के बराबर का सवाब दिया जाता है। क़यामत के रोज़ रोज़ेदारों को बाकी मखलूक पर सबसे बरतरी दी जाएगी, वो बाबुर रयान में से जन्नत में दाखिल होंगे, ये भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है, क़यामत के रोज़ उसमें से रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई दाखिल नहीं होंगे। वैसे ही तो ये हदीस मुत्तफ़िक़ा अलिया में से है। और फिर इस तरह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे भी बकसरत फ़ज़ाइल हैं कि रोज़ादार के मुँह की जो बोल है अल्लाह ताला कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। रोज़ादार के लिए फरिश्ते बख्शिश मांगते हैं कि उनका आना, वो रोज़ा इफ्तार करना, ये सारी उसकी नेकियों में लिख दिया जाता है। और रोज़ा रख कर इंसान जो काम करते हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, आप रोज़ा रख कर पढ़ रहे हैं, अपने दिन के कामों को वैसे ही रूटीन से चला रहे हैं जैसे आप रोज़े की रूटीन से पहले चला रहे थे, तो बिलीव में आपको वो काम करने के भी बराबर में सवाब मिल रहा है कि आप अल्लाह ताला के लिए मुशक्क़त उठाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की खातिर जो है आपने रोज़ा रखा, फिर उस मुशक्क़त के अंदर अपने दिन के काम भी कर रहे हैं, आप अपने हकूकों को भूले नहीं हैं, तो वो भी एक सवाब है। फिर अगर आप कारोबार पर जा रहे हैं, आप एक माँ हैं, आप घर के काम कर रही हैं या बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उसका भी बराबर का सवाब मिलता है इंसान को। अल्लाह ताला जन्नत के हर रोज़ आरास्ता करके मुखातिब फरमाते हैं कि अनकरीब मेरा नेक बंदे थकावट दूर करने के लिए तेरे पास आ रहे हैं, लिहाजा तो आरास्ता हो जाए। ये ऐसी हदीस जो है ये एक ज़ईफ़ हदीस है, तो ये हमें बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये जो ऐसी हदीस हैं जो बड़ी सॉलिड है, वहाँ से ऐसी कोई सच कोई हदीस नहीं मिलती है। हाँ, अलबत्त ये ज़रूर है कि शैतान कैद कर दिया जाता है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि आप इस महीने में जो गुनाह करेंगे वो आप कितने नफ्स की खराबी है। ये महीना हमें सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एवेलुएशन, सेल्फ एफर्मेशन, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए आता है, जो हम सेल्फ हेल्प बुक की किताबों में ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या ट्रेनिंग लेनी है। तो ये जो 30 डेज का सिनेरियो या पीरियड आता है ना, ये हमें एक्चुअली हमारी सेल्फ डेवलपमेंट सिखाने के लिए आया है कि हम अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करें, सेल्फ एवेलुएट करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जो रास्ता हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि हम उस पर चल रहे हैं, या वो रास्ता जो शैतान और बातिल का रास्ता है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये एक्चुअली हमें ये सिखाने आता है। फिर कुरान मजीद भी इसी माह में नाज़िल किया गया था, जैसे सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि ये वो माह है जिसके अंदर हमने कुरान मजीद नाज़िल किया। और कुरान मजीद के हवाले से एक हदीस भी हमें मिलती है बुखारी शरीफ से कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। पहली प्रेफरेंस तो ये है कि सीखा जाए, जहाँ तक कोशिश है सीखा जाए। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं, आप किसी ऐसे अदारे में नहीं जा सकते, तो इट्स ओके, ओपन द कुरान, कुरान खोलें,
कुरान में इतनी एबिलिटी है कि वो उसको पढ़ने वाले को खुद ब खुद समझ आ जाता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है। पहले तो आपको दुआ मांगनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला मुझे इसके ज़रिए हिदायत दे दे, अल्लाहुम्मा इहदिन सिरात मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा अहदिक कल्बी वसद्दिक लिसानी वसलम सकीमत कल्बी। इसके अलावा और भी दुआएं होती हैं तक्वा की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुदा वत्तुका वलअफाफ वलगिना, कि अल्लाह हमें हिदायत दे दे और तक्वा दे दे। इल्म की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम दोनों को कुरान की समझ दे। फिर अगर कुरान को हम खोल के पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी के मामला दुरुस्त हो जाएंगे। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ जिसने अपना वादा पूरा किया और परहेज़गार बना, यकीनन अल्लाह ताला परहेज़गारों को पसंद करता है। जिन्होंने अपनी इस्लाह की उन्हें ना तो खौफ लाहक होगा ना ही वो किसी किस्म का गम होगा। अब आप इस आयत को ज़रा गौर करें तो हमें एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हम रमज़ान के महीने में अपनी बुराइयों से और इन सब चीज़ों से फवाहिश से दूर रहेंगे तो अल्लाह ताला ने उन इंसानों के लिए बदले में क्या रखा है कि उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। एक तो ये कि रोज़ा हमें सिखा रहा है कि हम भूख प्यास में रह सकते हैं, यानी हम कम खाने में और कम पीने पे गुजारा कर सकते हैं, हम कम बोलने पे भी गुजारा कर सकते हैं। फिर आपको बता रहा है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दौर आ जाए या ऐसा वक्त आ जाए जिसमें वो इस तरह की सिचुएशन से उसे गुजरना पड़ जाए तो उसके लिए ये फ़ायदा मंद होगा कि उसने यहाँ पे ये ट्रेनिंग ली है तो वहाँ पे उसको लगा ले, यानी एक हमें सब्र की तलकीन भी दे के जा रहा है। फिर किसी किस्म का गम नहीं होगा, हमें फ्यूचर की परेशानियों से दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकत अता फरमाए। और अब हम देखते हैं कि रमज़ान के फ़वाद क्या हैं, यानी इंसान को चले आखरत के तो फ़ायदे मिल रहे हैं, दुनिया में उसे क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। रोज़ा जो है वो मालदार, इसकी पहली एक बड़ी मिसाल ली जाती है कि मालदारों के दिलों में इल्मी तो अमली तौर पर जो है वो फ़कीरों के लिए रहमत आती है, यानी हमें पता चलता है कि एक इंसान जिसको सारा दिन खाने के लिए नहीं मिल रहा है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है, कि वो भूख प्यास के बगैर अपनी ज़िंदगी को किस तरह चला रहा है, अपने मामलात को किस तरह से उसको गुजारा कर रहा है। कि मैं जो है वो रोज़ खा पी कर सो जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खा पी के सोते, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो ये एक एहसास पैदा होता है। फिर ज़रूरतमंदों की दिलों की तसल्ली दिलजोई करना, ये कि ये ऐसे है कि जब वो देखते हैं कि मालदार और मतूल लोग भूख प्यास की तकलीफ़ और ज़िल्लतों से दूर रहने में उनके साथ बराबर शरीक हो रहे हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि फ़कीर के लिए सबसे नफामंद दिलजोई है कि मालदार को उसके बराबर खड़ा कर दिया जाए, ख़वा दिन के चंद लम्हे क्यों ना हो। तो यानी जो लोग अब इकोनॉमिकली सोशो इकोनॉमिकली लो हैं, ये उनके लिए भी एक दिलजोई सा है कि डोंट वरी वी ऑल आर इक्वल, हम सब हैं और एक माह ऐसा आना है कि सबको जो है वो इस तरह रहना है कि वो कुछ ना खाए पिए और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर जो है अपने हर किस्म की बुराइयों से दूर रहे। फिर रोज़ा जब हमें शहवात पर काबू पाने में मदद देता है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पाता है, कि एक वो शख्स, इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक इंसान जो शादी की इस्तेआत ना रखता हो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे और गुनाह से महफूज रहे। कि एक इंसान है उसने मूवीज देख ली, ड्रामा देख लिया, अब उसके अंदर जो है वो शहवत उभर रही है, तो उसे जो रोज़ा है ना वो हमें इस सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है कि यानी हमने रोज़े में ना हमने जो है वो ड्रामा देखना है, ना मूवी देखनी है, ना हमने सॉन्ग की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें जब हमसे दूर रहेंगी, हमारी शहवत भी हमसे दूर रहेगी और इंसान की उसकी गलत कामों की तरफ, जिना की तरफ जाने के इम्कान जो है वो कम हो जाएंगे। फिर रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो कि नहीं होता है हमसे, ये सिखाता है कि हमने ज़ुबान पे ताला किस तरह लगाना है, हमें लोगों को बुरा भला कहने से किस तरह रोकना है, हमें मुश्किलात में किस तरह से बर्दाश्त का सामना करना है। देखिए आपने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो जब हमारा इवनिंग टाइम आता है, यानी सून आफ्टरनून का जो टाइम आता है, उस टाइम जो है हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि आखिरी पल होता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं रहे होते, हम खामोशी से बैठे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जल्द ही इफ्तारी होने वाली है और हम जल्द ही जो है वो खाना खा लेंगे और ये मुसीबत हम और जो हम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं ये जल्द टल जाएगी। सेम इसी तरह ये हमें ज़िंदगी के मामलात भी सिखाता है कि अगर ज़िंदगी में आपकी कोई मुश्किलात आ गई हैं, किसी किस्म का आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ गया है, तो इट्स ओके, सून अफ्तारी की तरह, जैसे आपको पता है ना कि अफ्तारी फ़ौरन होने वाली है,
इसी तरह मेरी मुश्किल का जो हल है वो भी निकलने वाला है और मैं जल्द राहत और सुकून को पा लूँगा। फिर रोज़ा जो है अल्लाह ताला की इबादत की तरफ हमें लेके जाता है। रोज़े की वजह से इंसान का जो भूख बर्दाश्त करता है ना, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं कि मेदे की बीमारियों से इंसान दूर रहता है। फिर साल भर जो खा खा कर इंसान अपने मेदे का बेड़ा गर्क किया होता है, वो सारा जो है एक निज़ाम निज़ाम एक बिल्कुल रूटीन पर आ जाता है। सिर्फ जुम्मे के दिन का जो रोज़ा है ना, उसे नापसंदीदा किया गया है। अब एक इंसान जो है वो बच्चा है, वो रोज़ा रखना चाह रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अब जुम्मतुल मुबारक का रोज़ा रख लेना। लेकिन नहीं, सिर्फ जुम्मे का रोज़ा नहीं रखना, इसके बारे में बुखारी शरीफ में हमें एक हदीस मिलती है कि सिर्फ जुम्मा के दिन का रोज़ा ना रखो, हाँ अगर एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा हो तो साथ रख लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप अपने बच्चों को जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं उन्हें रोज़ा रखने की, तो ज़रूरी है कि आप उन्हें जुम्मे के साथ जो है वो जुमेरात का रोज़ा रखवा लें, या जो है आप उन्हें हफ्ते का रोज़ा रखवा लें। अब जरिए कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए आप पीर और जुमेरात का रोज़ा रखवाएं, क्योंकि इन दिनों में नामाइमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं। इसके अलावा भी आप रमज़ान मुबारक के अलावा भी अगर कोई इंसान रोज़ा रखना चाहे तो हर माह की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखता है। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि शवाल के महीने के रोज़े भी हैं, 6 रोज़े हैं, माह रमज़ान के खसूसी महीने के रोज़े भी हैं। कि माह रमज़ान के महीने के अलावा जो है मुहर्रम की 9-10 का रोज़ा भी रखने को कहा गया है। मुस्लिम में हदीस है कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद माह मुहर्रम में रोज़े रखना और फ़र्ज नमाज के बाद रात की नमाज सबसे अफजल है। एंड देन फिर से मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और मुझे जो है वो तौफीक अता फरमाएँ कि हम अपने रमज़ानुल मुबारक के महीने का पूरा पूरा मकसद अदा करें। तो जी आज की जो हमारी दुआ है वो ये है, रब्बना अतमिम लना नूरना वक्फिर लना इन्नका अला कुल्ली शयइन कदीर, यानी ए परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल फरमा दे और हमको बख्श दे, यकीनन आप हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला हमें बुराइयों से दूर करके नेकियों की तरफ ले जाए और नेक रास्ते का नूर दे दे और हमें हमारे और हमारे गुनाहों को बख्श दे, यकीनन आप हर चीज़ पर कादिर हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।